नमस्कार, स्वागत है आपका केगीआर न्यूज में। हूँ आपके साथ कंचन सिंह राज। तो ये शुरुआत करते हैं खबर की। जमीयत उलमा जिला भोपाल का दीनी तालीमी बोर्ड व इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम मस्तूरत में मुनाकिद अल्हम्दुलिल्लाह 22 सितंबर 2022 बरोज जुमेरात बवक्त नमाज जोहर बा मुकाम मयूरी शादी हाल नरियल खेड़ा भोपाल में जमीयत उलमा जिला भोपाल मध्य प्रदेश के जेरे निगरानी जमीयत उलमा उत्तर विधानसभा जिला भोपाल ने जलसा इस्लाह शिरा व मुआशिरा व दीनी तालीम बोर्ड का प्रोग्राम खुसूसी और मस्तूरात में मुनक्किद किया। हमारी जितनी औरतें बैठी हैं यहाँ पर, इनको अल्लाह ने, जैसे मैंने कहा, औरत को अल्लाह ने बड़ी सिफत दी है, बड़ी उसकी नजर होती है। अगर उसकी नजर होती है जहेज के ऊपर और माल के ऊपर, तो तीन घंटे तक पैमाम लेकर जाती है, लड़की के बारे में मालूम करती है, तो साथ में पूछ के लड़की समझ आ गई, लड़की अच्छी, लड़की कैसी है, लड़की अच्छी है, माशाल्लाह पढ़ी लिखी गिनना है, लेकिन साथ में मालूम करती है कि लड़की के कितने भाई हैं। अच्छा साहब, तीन भाई हैं। अच्छा साहब, और लड़की की अम्मा के कितने भाई हैं। अच्छा साहब, लड़की की अम्मा के भी तीन भाई, और लड़की के अब्बा कितने भाई हैं। अच्छा, लड़की के अब्बा के, हाँ अब ठीक है भाई, ये हमारा ममता लड़का जो है, इसकी लड़की के तीन भाई बड़े बड़े आइटम देते देंगे, और जिस दिन मंगनी होती है लड़की, लड़के वालों के हिसाब से क्या आती है, मिठाई आती है, मिठाई आती है। अगले दिन अम्मा क्या करती है साहब उसकी, अरे उसकी पुड़िया बनाती है, और पुड़िया बनाकर पूरे खानदान में बांटती ही बांटती। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि हमारे खानदान के अंदर एक घुंडा आ गया है, अब पूरा खानदान चिंता करेगा, क्या करेगा साहब, अब ये 5 रुपए की या 2 रुपए की मिठाई खाओ, और 2000, 10000, 20000, 25000 फैमिली तैयार हो जाओ। अब अम्मा क्या, अब लड़की की अम्मा जाती है कि भैया आपकी एक ही भांजी है, उसकी मंगनी हो रही है, और अब आपको डबल बेड देना है। अब भैया कहिए, बहन मुझे मालूम है अभी कुछ दिन पहले तेरी भाभी का ऑपरेशन हुआ है, मेरी नौकरी छूट गई, पैसा भी नहीं है। नहीं भैया, तो तेरे की भाभी के डबल बेड तो लेना ही पड़ेगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए डबल बेड अब दूसरे भाई के पास ले। भैया तुम्हारी भांजी की शादी हो रही है और तुम्हें वॉशिंग मशीन लेना है, अरे मेरी नौकरी नहीं चल रही, नहीं वॉशिंग, अब अपने उसके लड़की के मामू से आइटम है, इसके बाद उसके लड़के के चचा, लड़की के चचा, उनसे आइटम, बड़े बड़े आइटम पूरे खानदान, और पूरे खानदान में हो गया कि हमारे खानदान में एक ममता आया हुआ है कि अगर कोई बड़ा आइटम ले सकते कदम क्या लेकर आना था, अरे छोटा आइटम लेकर आना, या कम से कम क्या लेकर आना साहब, लिफाफा तो लेकर ही आना, लिफाफा तो देना ही पड़ेगा साहब। मैं आपसे आज कहने आया हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आज तय कर कर रखो इन शाह कि हम अपने बेटे की, भतीजे की, भांजे की शादी करेंगे, और ऐलान कर देंगे हम कि हमारे, हमारा लड़का ममता नहीं है, हमने लड़के को मर्द बनाया है, इंशाल्लाह वो कमाएगा, खाएगा, तुम्हारी बेटी को भी खिलाएगा। और अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर, हुजूर ने अपने जिंदगी के अंदर जिम्मेदारी निकाह से पहले, निकाह के वक्त, तो निकाह के बाद खर्च करने की टोटल जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल लड़के पर डाली है, लड़के वालों को कोई जिम्मेदारी नहीं। अभी एक लड़का माशाल्लाह अपनी मेरी बात सुनी, उसने तय किया कि मैं शादी इस तरह करूँगा, अब कोई मंगनी हुई तो लड़की, लड़के ने ये बात की, लड़की के अब्बा से साहब मेरी दो शर्तें हैं, साहब मैं बारात नहीं लाऊंगा और क्या नहीं लूंगा, मैं दहेज नहीं लूंगा। तो अब जैसे जो माहौल बना हुआ है, तो साहब फौरन साहब उसने लड़की के अम्मा ने कहा, भैया बारात को हमारे परंपरा चली आ रही है, और बारात को लाना पड़ेगी, और हम खाना भी देंगे बारात को, और जहेज तो हम अपनी लड़की को दे रहे हैं, जहेज उसको दे रहे हैं। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है साहब, आपको अगर मेरी शर्तें कबूल नहीं है, आप लड़की की जहेज लड़की को दे रहे हैं, लड़की भी किसी और को दे दीजिए, आप मैं आपके शादी कर पाऊँ। तो साहब कह दिया कि आप लड़की, मैं मेरी कोई शर्तें हैं कि जहेज के नाम की मेरे या कोई चीज़ नहीं आएगी। लड़का अच्छा था माशाल्लाह, हैंडसम लड़का था, कमाओ कुलता दूध देते रहे, उसमें कोई तो, फौरन तो सुधर साहब ढीले पड़ गए, नहीं नहीं बेटा हम बोलते ये था, क्योंकि उसने दो अंदाज में कह दिया कि मेरी शर्तें, मैं बारात लेकर नहीं आऊँगा और जहेज लूँगा। मैं भी आपसे कहता हूँ, आज हमारी जितनी मेरी बहनें मेरे पास, कितने नौजवान आते हैं और कहते हैं काजी साहब मैं नियत करता हूँ, मेरी अम्मा नहीं मान रही, लड़की की अम्मा नहीं मान रही, तो मैं तुमसे कहकर आज कहना चाहता हूँ, जितनी मेरी बहनें बेटी हैं, तो नियत करो इंशाल्लाह कि अपने बेटे की शादी करेंगे, तो हम बगैर बारात और बगैर जहेज करेंगे, और लड़के को इस काबिल बनाएंगे, वो कमाएगा इंशाल्लाह, हलाल कमाएगा, हलाल खाएगा, हलाल खिलाएगा। और अल्लाह के नबी ने कह दिया, सुनो ये हदीस, जब लड़कों को आपने बताना कि अल्लाह के नबी ने कहा कि एक आदमी पैसा खर्च कर मस्जिद में, मदरसे में, गरीब और मोहताज, जितने भी कार्य खैर के मैदान हो सकते हैं,
पैसा खर्च करे, लेकिन इसके मामले में दीनारन अनफक्त अलग होने का, कि वो पैसा जो आदमी किस पर खर्च कर रहा है, अपनी बीवी पर खर्च कर रहा है, अपनी जोजा पर खर्च कर रहा है, अपने पार्टनर लाइफ पार्टनर पर खर्च कर रहा है, अल्लाह का नबी कहता है इन तमाम पैसों के मुकाबले में अल्लाह पैसे का ज्यादा सवाब फरमाए। आम क्या कुटलियों के काम, इसको अपने लड़कों को मनाओ, लड़की वालों से, लड़के वालों से, और इसके इंशाल्लाह क्या होगा, एक आध वाक्य सुनाऊंगा। लड़की वालों से ये कहना है, लड़की जितनी बैठी है, लड़की वालों से कहता हूँ, तुम्हारे यहाँ जिस दिन लड़की पैदा हो अच्छी तरह समझो कि आम तौर से जो लड़की पैदा होती है वो सांप सूख जाते हैं, नाले ठंडे हो जाते हैं, तुम्हारी लड़की पैदा हो तो हर दिन तुम गम मत मनाना, बल्कि खुशी मनाना कि अल्लाह ने हमारे यहाँ एक ऐसा हमको तोहफा दिया है जो अल्लाह की नज़र में एक नियत करो कि लड़की को बनाएंगे नेक और साले बनाएंगे, और लेप और साले बना, और लेप साले मैंने बता दिया कि खाने का होना चाहिए, हाफिजा होना चाहिए, खाने का हाफिजा बना दो, और इसके बाद अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हारी बच्ची के लिए, और बच्ची भी दुआ करे कि अल्लाह ताला उसके लिए लेप और साले अल्लाह ताला छोड़ दे। याद रखना कि अगर आपने अपनी बच्चियों को ओरिजिनल दीनदार बना दिया और बच्ची ओरिजिनल दीनदार बन गई, तो याद रखना अल्लाह के खजानों में कमी आज भी नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही, हमारे चैनल बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।